लगाइए लगाइए लगाइए, लगाने दीजिए, तो डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। लग गया ठीक है भाई, 1:45 था, 1:50 से ऊपर थे, 2 बजे के बाद चलेगा नहीं, चलने दीजिए, बीजेपी शुरू होने दीजिए, शुरू कर दे सर। यस सर, आप लोग रेडी हैं? जल्दी लगा लीजिए सर, छोड़ दीजिए मत कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्लास में मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा सादर अनुरोध है माननीय पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, आप सभी को नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं अभी जस्ट ट्विटर चेक कर रहा था तो मुझे एक दुखद खबर भी प्राप्त हुई है कि गढ़चिरौली में हमले में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। मैं पूरा डिटेल अभी जानता नहीं हूँ, मगर फिर भी हम डिटेल भी लेंगे। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करती है, उनको चरण स्पर्श करती है और हम दुख जताते हैं। बंधु, आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर यह प्रेस वार्ता रखा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका वाड्रा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है कि जहां कांग्रेस के कैंडिडेट मजबूत है वहां तो हम जीतेंगे, मगर जहां कमजोर है वहां कांग्रेस ने हल्के उम्मीदवार उतारे हैं ताकि वो कैंडिडेट बीजेपी के वोट काट सके। आप सोचिए जरा, आज जीओपी इज इक्वल टू वीकेपी। आप सोच रहे होंगे ये जीओपी इज इक्वल टू वीकेपी का अर्थ क्या है। कांग्रेस अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी और वीकेपी मतलब वोट कटुआ पार्टी। अपने आप को भारतवर्ष का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज एक वोट कटुआ पार्टी बन के रह गई है। ये हकीकत आज स्वयं कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने माना है, स्वीकार किया है। बंधुओं, ये एक शब्द प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉइन किया था और वो शब्द था महामिलावटी। और आज इस शब्द को चरितार्थ तो होते हुए हम सब देख रहे हैं। कैसे? प्रियंका वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सी एक्सेप्ट्स। आप उनकी नियत में ही खोट देखिए, नियत में ही मिलावट देखिए कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, अधिकांश उनके कैंडिडेट हारने के लिए लड़ रहे हैं और वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। जिस पार्टी की पूछ इतने वर्षों से भारतवर्ष में रही हो और जिस पार्टी की जो परिवार है उस परिवार की सदस्य और जनरल सेक्रेटरी खुद मानती है कि अधिकांश पार्टी के कैंडिडेट्स जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, तो एक बात तो आज स्पष्ट है और तय है कि कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। और प्रियंका गांधी जी ने पहले भी कहा था कि हम तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 की विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये चुनाव तो हम ऐसे ही रिहर्सल के तौर पे लड़ रहे हैं। तो ये तय है कि कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और प्रियंका वाड्रा जी ने आज हार माना है। जीतना इनका लक्ष्य नहीं है, हारना इनका लक्ष्य है। सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी इनका लक्ष्य नहीं है, नकारात्मकता अर्थात नेगेटिविटी इनका लक्ष्य है। और 100% की बात
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि इनका एक ही लक्ष्य है, मोदी हटाओ। येन केन प्रकारेण मोदी हटाओ, इनका एक ही लक्ष्य रहा है। और आज हम कहना चाहते हैं कि नकारात्मकता की जीत कभी नहीं हो सकती है, हमेशा ही सकारात्मकता। और जो चीज आगे बढ़ाती है, जो चीज विकास करती है, जो पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ती है, जीत हमेशा उसकी होती है। आज महामिलावटी की परिभाषा को देखिए, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, ये तीन पार्टियों का समीकरण है। कांग्रेस तो अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये गठबंधन बने हुए हैं। मगर आज जिस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने दिया है, मिस वाड्रा ने दिया है, एक सवाल उठता है, ये गठबंधन में है, ये गठबंधन में नहीं है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कम से कम इसका स्पष्टीकरण तो दे। तो महामिलावटी में कंफ्यूजन इज द की वर्ड। भ्रम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। खुद कांग्रेस पार्टी जानती नहीं है कि वो इस किनारे है या उस किनारे है। अगर सही मायने में हिंदी में कहा जाता है न तीन में न तेरह में। आज कांग्रेस की परिस्थिति ठीक ऐसी है कि आज प्रियंका वाड्रा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका अगर लब्बो लुबाब निकाला जाए तो आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही कहेगा कि कांग्रेस पार्टी न तीन में है न तेरह में है। कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है, मोदी हटाओ, वोट काटो, बीजेपी हराओ। क्यों? स्वाभाविक है मित्रों, किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं आने देना। बीजेपी के प्रति डर मिस वाड्रा के मन और मस्तिष्क में छाया हुआ है। आखिर ये प्रियंका वाड्रा जी बीजेपी से इतना डरती क्यों है? मैं बताता हूं। भाई बेल पे, मां बेल पे, पति बेल पे। जिनके भाई, मां और पति बेल पे हो, स्वाभाविक ही है वो जेल से डरेंगे। वो जेल से डरेंगे। और इसीलिए भ्रष्टाचारी परिवार, जिस परिवार ने हिंदुस्तान के साथ भ्रष्टाचार किया, जो परिवार आज बेल पे बाहर है, वो बीजेपी से डरेगा। वो डरेगा कि अगर बीजेपी आएगी तो ये परिवार जेल जाएगा। और इसीलिए किसी भी कीमत पर, चाहे वोट कटुआ पार्टी बनकर ही क्यों नहीं, बीजेपी को रोकना है, वरना सच्चाई की जीत होगी। और सच्चाई की जीत होगी तो भ्रष्टाचार की हार होगी। बीजेपी का वोट काटना, उसका अर्थ क्या होगा? बीजेपी का वोट काटने का अर्थ होता है विकास को काटना, विकास को रोकना, विकास की गति को रोक देना, उसे थाम देना। बीजेपी का वोट काटने का अर्थ यह भी होता है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना। बीजेपी का वोट काटने का अर्थ यह भी होता है कि जातिवाद को बढ़ावा देना। बीजेपी का वोट काटने का अर्थ यह भी होता है कि तुष्टिकरण को बढ़ावा देना। तो किस प्रकार से पुनः डायनेस्टी रूल, परिवारवाद को स्थापित किया जाए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही इनका ध्येय है। जहां नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे का भविष्य किस प्रकार से सुधर सके। मजबूत सरकार वर्सेस मजबूर सरकार, यह विषय बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है। हमने मायावती जी को भी सुना था एक बार, उन्होंने कहा था कि हमें 2019 में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। नवीन पटनायक जी ने भी कहा था मजबूत सरकार चाहिए। आज प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि हमें स्थिर सरकार और मजबूत सरकार नहीं चाहिए, एक मजबूर सरकार चाहिए। इसलिए हम वोट काटने के रोल में आ गए हैं। हम तो नहीं जीतेंगे, अच्छे काम करने वाले को किस तरह रोकना है, ये हमारा उद्देश्य है। बंधुओं, दो सवालों के साथ मैं अपने इस बाइट को समाप्त करूंगा। पहला सवाल मिस प्रियंका वाड्रा से है, जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है। मिस वाड्रा, आपने कहा कि आप के जो कैंडिडेट कमजोर हैं वो केवल वोट काटने के लिए हैं, अधिकांश कैंडिडेट आपके कमजोर हैं। आप अपने आप को किस श्रेणी में देखती हैं? आप अच्छे कैंडिडेट हैं या आप मजबूत कैंडिडेट नहीं हैं? क्योंकि अगर आप मजबूत कैंडिडेट होते तो आप बनारस से लड़ते। कहीं ना कहीं अपने आप को आप शायद कमजोर कैंडिडेट ही मानती हैं, जो कि है। तो आप इसका उत्तर दीजिए कि आप अपने आप को किस प्रकार का कैंडिडेट मानती हैं और आप बनारस छोड़ के क्यों चली गई? दूसरा, अमेठी में किस प्रकार का चुनाव हो रहा है? अमेठी में वोट काटने का चुनाव हो रहा है या लक्ष्य कुछ और है? इसका उत्तर भी मिस वाड्रा आप दीजिए, क्योंकि आपके भाई वहां से लड़ रहे हैं। वोट काटने का चुनाव हो रहा है या आपका लक्ष्य कुछ और है? मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर मिस प्रियंका वाड्रा स्वयं देगी। इतना ही कहके मैं अपने इस संक्षिप्त बयान को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य। हाँ, प्रियंका जी ने कहा है कि मोदी जी ने क्या किया,
प्रियंका जी को समझ नहीं है ना फॉरेन अफेयर्स क्या होता है, वो ये क्या नहीं समझती नहीं है, वो इमेच्योर लीडर है। एक बात देखिए, हिंदी में कहावत है बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक की। जब वो जनरल सेक्रेटरी बन गई तो हम लोग सब जान गए, देश जान गया कि वो उनमें समझ नहीं है फॉरेन अफेयर्स क्या होता है, किस प्रकार से देशों के हेड्स मीट करते हैं, क्या डिस्कशन होता है। अभी थोड़ी देर में अजहर मसूद का आने वाला है, हम लोग देख रहे हैं टीवी पे, ये सब कहाँ प्रियंका जी समझ पाती है। प्रियंका जी को बोलिए तो जरा वो सब बताए, उनको उनको कहाँ उनको फुर्सत नहीं है। लंदन में उनके पति ने कितने मकान बनाए हैं, उनकी रजिस्ट्री कब करानी है, उनमें कब रहने जाना है, ये सब तो फुर्सत मिले फिर फॉरेन अफेयर के। उनका फॉरेन अफेयर्स का मतलब एक ही है, भारत से काला धन को लेके वहां डिपॉजिट करना, वहां पर मकान खरीदना, उसकी रजिस्ट्री कराना और उसके साथ बैकऑफ्स नामक कंपनी खोलना, अपने आप को ब्रिटिशर घोषित कर देना, उनका एक ही फॉरेन अफेयर है। मोदी जी का फॉरेन अफेयर का अर्थ है भारत के हाथ को मजबूत करना, भारत का। देखिए जहां तक मंदिर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछ रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि मंदिर के सवाल को लेकर भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक इंटरव्यू में अपने विषय को रखा था, बड़े स्पष्टतः उन्होंने रखा था। सारे प्रश्न उनसे पूछे गए थे, मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा, कोर्ट का रूट इत्यादि, इन सब विषयों पर बड़ी स्पष्टता के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर दिए थे। तो एक प्रवक्ता के नाते जब हमारे सबसे बड़े नेता ने इसका उत्तर दिया हुआ है, मैं उसे दोहराना उचित नहीं मानूंगा। मगर जिन लोगों ने यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा है, मैं एक बात का उत्तर जरूर दूंगा कि आज हमें गर्व है कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू तक कहने से शर्माते थे, घबराते थे, दुखी होते थे, जो हिंदू कहने से घृणा करते थे अपने आप को, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम का वजूद नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, आज नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें विवश कर दिया है कि वो राम के भक्त बना के अपने आप को प्रस्तुत करें, शिव भक्त अपने आप को कहलाएं। गर्व से आज वो अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते हैं। ये परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जय श्री राम। मैंने इसका उत्तर दिया, मुख्य विषय मंदिर का है, आप सबका अधिकार है कि मंदिर के विषय में हमसे सवाल करें। इसका उत्तर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में दिया है, विस्तार से दिया है। किसने कहा मंदिर का जिक्र नहीं है बीजेपी का? हम एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो गर्व से मंदिर का जिक्र करते हैं, गर्व से जय श्री राम कहते हैं। और हमने उन लोगों को भी जो लोग अपने आप को हिंदू तक मानने को तैयार नहीं थे, जो हिंदू आतंकवादी हमें कहते थे, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते थे सुप्रीम कोर्ट में, आज वो अपने आप को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। एवरी इशू cannot be drawn into a political battlefield. I'm sorry, मैं इस पर कोई comment नहीं करना चाहता, ना हम बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं कि हर विषय को राजनीतिक अखाड़े में नहीं खींचना चाहिए। तो इतने दिनों तक फिर अगर वो जानती थी और मान गई कि उनके ध्यान देने से कुछ अच्छा हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, तो फिर बहुत देर क्यों कर दिया? तो उनके भाई साहब तो कर नहीं पा रहे थे, तो पहले से ही ध्यान देना था। तो कम से कम वो एक्सेप्ट तो करती है कि बाकी लोगों के ध्यान देने से कुछ नहीं होता है, उनको आना पड़ रहा है ध्यान देने की। और खुद आज वो स्वीकार कर रही है कि अधिकांश हमारे कैंडिडेट जो है वो केवल हारने के लिए लड़ रहे हैं और वोट काटेंगे, तो ये वोट कटवाने के लिए इतना ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? बनारस से लड़ जाना चाहिए था। नहीं, मैंने इसका उत्तर दिया, हिंदी में भी दिया, हिंदी में भी बोला, नहीं एक बार बोला, पूरा कट कर दीजिएगा आप उसमें से। बोलो बोलो।
देखिए प्रियंका जी का वो वीडियो जो बच्चों के साथ आया है जिसमें बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किया गया है, वो वीडियो मैंने देखा है, मुझे बहुत खेद हुआ है। मैं एक बात स्पष्टता के साथ कहूं, प्रियंका जी की अपरिपक्वता इमेच्योरिटी आज सामने आया है। देखिए जब इनका परिवार इतने सालों तक रहा राज में, एजुकेशन के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने, आज एक इमेच्योरिटी के साथ बच्चों के बीच में जाके राजनीति करने की कोशिश कर रही है। एक बच्चा घर में भी है, मतलब अध्यक्ष है, तो उनको ठीक करे जरा, उनको बोले कैसे किस प्रकार से वो पूरे राजनीति को संभाले। वो तो कांग्रेस में ही हैज फेल्ड, ही इज अ ग्रोन अप बॉय इन द हाउस कांग्रेस अध्यक्ष, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ। और ये बच्चों के साथ राजनीति करना और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत गंदी बात है, ऐसा।